Hi everyone. So yesterday we have seen that introduction part of the Uttar Pradesh special, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि हम यूपी के बारे में, यूपी जब स्पेशल अगर पढ़ेंगे, यूपी स्पेशल की हम बात कर रहे थे, यूपी स्पेशल की, जिसमें हमने ये समझा था कि हम यूपी स्पेशल को डिफरेंट डिफरेंट हेड्स के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट हेड्स का करने का मतलब ये होता है कि हम लोगों ने ये देखा था कि स्पेसिफिकली जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू है उससे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो है एक जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ यूपी, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ यूपी, और जो दूसरा पार्ट था उसमें ये था कि डेमोग्राफी, डेमोग्राफी या पॉपुलेशन या सेंसस, ठीक है। तो ये जो दो टॉपिक हैं ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रीलिम्स, ठीक है। उसके आगे जो टॉपिक्स हमने कल देखे थे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री, हम पढ़ने वाले हैं उसका ज्योग्राफी ऑफ यूपी जो कि मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम पढ़ने वाले थे पॉलिटी ऑफ यूपी, ठीक है, उसके बाद हम पढ़ने वाले थे इकोनॉमी ऑफ यूपी, ठीक है, और लास्ट में हम लोग पढ़ने वाले थे इन्वायरमेंट या वाइल्ड लाइफ। इन्वायरमेंट या वाइल्ड लाइफ को हम लोग यहाँ पे भी क्या बोलते हैं, मर्ज कर सकते हैं, और सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ने वाले थे सोसाइटी। तो ये कल की क्लास का फॉलो अप है कि कल हमने ये डिस्कस किया था कि हम कैसे कैसे इस लेक्चर सीरीज में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम आज क्या करेंगे कि स्टार्ट करेंगे यूपी स्पेशल के जो जनरल जो इंफॉर्मेशन अबाउट द उत्तर प्रदेश होता है उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स फिगर्स वगैरह आपको याद करना पड़ सकता है, लेकिन ये सारे के सारे उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम है ना उसमें सब में पूछे जाते हैं। स्पेसिफिकली आप ले लीजिए तो यूपी पीसीएस जो अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज है उसका, उसके प्रीलिम्स में 7 to 8 क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगा अबाउट द डेटा ऑफ यूपी, ठीक है। और इस डेटा का यूज न कि सिर्फ आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में हेल्प करेगा, बल्कि ये हेल्प भी करेगा आपके मेंस के आंसर राइटिंग में। जैसे आप मेंस का आंसर राइटिंग करते टाइम अगर कोई डेटा कोट करते हैं या उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कोई भी चीज कोट करते हैं तो वो चीज एग्जामिनर के ऊपर काफी अच्छा इंपैक्ट डालती है और आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो ये उत्तर प्रदेश का मैप है, ठीक है, जिस जो कि क्या बोलते हैं आपको मेंस के एग्जाम में बहुत अच्छे से बनाना आना चाहिए, ठीक है, उत्तर प्रदेश का। हालांकि ये जो मैप है ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स याद करने पड़ेंगे जो कि हम अभी देखेंगे कि कैसे रहता है, ठीक है। तो अगर आप मेंस में इस तरीके का मैप बनाते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा एग्जामिनर को इम्प्रेस करना, ठीक है। तो इसमें स्लाइड में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सॉरी थोड़ी सी दिक्कत हो गई है यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ी सी दिक्कत के लिए मैं सॉरी बोलना चाहूंगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि सबसे जो पहला जो इसमें टॉपिक लेंगे हम लोग कि क्रिएशन कब हुआ था, नाम कब रखा गया था, और इसका अभी कैपिटल्स के जो जो थोड़ा सा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है या इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो हम इसमें लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो जो उत्तर प्रदेश का जो फॉर्मेशन है वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था,
उत्तर प्रदेश का फॉर्मेशन 24 जनवरी 1950 को होता है और इसको उत्तर प्रदेश डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश डे के लिए डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो मतलब ये क्वेश्चन अभी एक दो साल पहले पीसीएस में पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो क्या आंसर होगा इसका 24 जनवरी 1950। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि जो यूपी का जो डिवीजन है इंडिपेंडेंस के बाद वो सिर्फ एक बार हुआ है और वो हुआ है 2000 में 9 नवंबर को, जिसको कि उत्तराखंड डे भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तरा जो 13 नदर्न हिली डिस्ट्रिक्ट उनको मिला करके एक उत्तराखंड स्टेट का गठन किया गया 2000 में। ठीक है, अगर हम क्रोनोलॉजी समझने की बात करें, ये सारे फैक्ट्स थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि प्रीलिम्स में कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अगर हम क्रोनोलॉजी की बात करें तो इसमें क्या है कि 1836 में सबसे पहले ये नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के अंदर था। ठीक है, 1836 में क्या हुआ था, 1836 में यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो ब्रिटिश थे उन्होंने जो नॉर्थ वेस्ट का अपना पार्ट है हमारा उसको कैप्चर करके और जो हमारा जो पहले से जो अवध वाला पार्ट है और नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है उसको क्लब करके नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस बनाया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था कि 1877 के अंदर ये उन्होंने इसका नाम बदल करके नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस आगरा एंड औध कर दिया था, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस आगरा एंड औध कर दिया था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि 1902 में इन लोगों ने नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस और आगरा के प्रोविंस, ये जो औध के प्रोविंस है मतलब स्पेसिफिकली जो उत्तर प्रदेश का मॉडर्न वाला जो पार्ट है उसको हटा करके इन लोगों ने उसका नाम क्या किया था, यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड औध। ठीक है, तो 1902 में अपना जो जो वेस्ट यूपी है और ईस्ट यूपी है इन दोनों को मिलाकर के इन लोगों ने क्या नाम रख दिया, यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड औध। ठीक है, उसके बाद 1937 में आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद, तो इन लोगों ने इसका नाम रख दिया यूनाइटेड प्रोविंसेस। ठीक है, और फाइनली 1950 में इस लीगेसी को हटाने के लिए इसका नाम रख दिया गया उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये एक तरीके की क्रोनोलॉजी है कि कैसे नाम चेंज हुआ है और उत्तर प्रदेश किस किस प्रोविंसेस या स्टेट के अंदर अभी तक रहा है। ठीक है, उसके बाद जो कैपिटल्स हैं, तो कैपिटल्स में सबसे पहले जो कैपिटल थी इस प्रोविंस की, जैसे यहाँ से नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस या नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस आगरा एंड औध की, तो 1836 से 1858 तक हमारी जो कैपिटल थी वो थी आगरा। ठीक है, आगरा कैपिटल थी शुरू के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या था कि 1858 से 1921 तक जो कैपिटल थी वो थी अलाहाबाद। ठीक है, इसीलिए अलाहाबाद जो हाई कोर्ट है, मतलब जो हाई कोर्ट है उत्तर प्रदेश का वो अलाहाबाद में सिचुएटेड है, बिकॉज 1866 में जब हाई कोर्ट बना था, इलाहाबाद हाई कोर्ट 1866 में बना था, उस टाइम पे जो यूनाइटेड प्रोविंसेस की जो कैपिटल थी वो इलाहाबाद थी। ठीक है, इसलिए वहां पे बनाया गया था। उसके बाद 1921 में ये जो कैपिटल है उसको चेंज करके लखनऊ ले आया गया, और अभी तक 1921 से मतलब 1921 में जो कैपिटल थी उसको शिफ्ट किया गया इलाहाबाद से लखनऊ, और अभी तक ये जो उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल अभी है वो है लखनऊ। ठीक है, तो ये एक तरीके का क्रिएशन और नाम और कैपिटल से रिलेटेड ये हमारे जो फैक्ट्स थे वो हमारे यहाँ पे क्लियर हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं स्टेट सिंबल्स, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस के एग्जाम के लिए और पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक है, तो स्टेट जो एम्बलम है यहाँ पे फिश एंड बो एरो है, मतलब कि जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो सिंबल है उसमें क्या है, एक फिश है और यहाँ पे बो एंड एरो है। ठीक है, तीर धनुष। ठीक है, तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के जो लोगो है उसमें। ठीक है, दूसरी चीज है कि स्टेट एनिमल जो है उत्तर प्रदेश का वो है बारहसिंगा। ठीक है, और इसका इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्वैम्प डियर। तो स्टेट एनिमल उत्तर प्रदेश का है बारहसिंगा, जिसको स्वैम्प डियर बोलते हैं। और इंपॉर्टेंट इसमें ये चीज है कि ये IUCN के जो थ्रेटर्ड लिस्ट है, IUCN की जो थ्रेटर्ड लिस्ट आती है उसमें ये वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, वल्नरेबल कैटेगरी में। ठीक है, तो ये फैक्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है। स्टेट बर्ड है हमारी वो है सॉरस क्रेन। ठीक है, सॉरस क्रेन, ये चीजें याद रखेंगे, स्टेट बर्ड कौन सी है, सॉरस क्रेन। ठीक है, उसके बाद आता है स्टेट फ्लावर जो कि पलाश है, ये जो फिगर है ये पलाश की फिगर है। ठीक है, इसका साइंटिफिक जो नेम है ये ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। ठीक है, तो ये जो
स्टेट फ्लावर है वो है पलास ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, स्टेट ट्री जो है वो है अशोका, ठीक है। स्टेट ट्री क्या है, स्टेट ट्री है अपना अशोका। उसके बाद स्टेट लैंग्वेजेस में दो लैंग्वेज है ऑफिशियल लैंग्वेज उत्तर प्रदेश की, एक है हिंदी और दूसरा है उर्दू, ठीक है। तो हम एक बार स्टेट एम्बलम को फिर से अगर रिवाइज करें तो स्टेट एम्बलम स्टेट सिंबल्स को रिवाइज करें तो स्टेट एम्बलम में क्या है, सबसे पहले फिश एंड बो है, बो एरो है, ठीक है। स्टेट एनिमल कौन सा है, बारहसिंघा है। स्टेट बर्ड कौन सा है, सॉरस क्रेन है। स्टेट फ्लावर कौन सा है, पलाश या ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। स्टेट ट्री कौन सा है, अशोका है। और स्टेट लैंग्वेज दो है, हिंदी और उर्दू, ठीक है। तो यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या हैं। ये जो क्लास है ये उत्तर प्रदेश के फैक्ट्स के बारे में है। हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी जो होगी या उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटी होगी उसको हम लोग बाद में स्टडी करेंगे बहुत डिटेल में, मेंस पर्सपेक्टिव से स्पेशली हम लोग स्टडी करेंगे। ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से थोड़े बहुत फैक्ट्स याद होने जरूरी है जो कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ज्योग्राफिकल फीचर में सबसे पहले अगर हम देखें कि एरिया कितना है उत्तर प्रदेश का, तो ये है 2.40 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 2.40 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ये जो एक्चुअल फिगर है कि 2,40,928, ये इतना याद करना मुझे नहीं लगता कि एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि वो लोग एकदम ये 4-5 डिजिट तक ये लोग वेरिएशन करके पूछेंगे। बस रफली आपको आइडिया रहना चाहिए कि 2.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर है यहाँ पे, ठीक है। उसका जो एरिया है वो रफ याद होना चाहिए आपको। अब जो 2.40 लाख एरिया है वो 7.33% ऑफ एरिया ऑफ इंडिया है। बहुत इंपॉर्टेंट फिगर, इंपॉर्टेंट फिगर इसलिए है क्योंकि प्रीलिम्स में तो पूछा ही जा सकता है कि कितने परसेंट इंडिया का उत्तर प्रदेश एरिया है, तो वो 7.33% है। बट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप पॉपुलेशन देखेंगे उत्तर प्रदेश का तो वो अराउंड जो है वो 17-18% है। मतलब उत्तर प्रदेश हैविंग 17-18% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया व्हाइल इट हैज द ओनली 7.33% ऑफ द एरिया ऑफ इंडिया। तो यहाँ से हम लोग मतलब ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो 17-18% जो पॉपुलेशन है अगर वो 7% अगर लैंड पे अगर वहाँ पे रिसाइड करती है तो मतलब कि वहाँ पे लैंड रिसोर्स का मतलब कमी है, लैंड रिसोर्सेज, देयर इज डेफिसिट ऑफ लैंड रिसोर्सेज। और इसी वजह से यहाँ पे लैंड इनइक्वालिटी, पॉवर्टी और बहुत सारी तमाम समस्याएं हैं जो कि हम लोग सोसाइटी के अंदर देखेंगे, क्योंकि जो अपना जो लैंड रिसोर्स है या वाटर रिसोर्स या कोई भी नेचुरल रिसोर्स है वो डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी को इम्पेक्ट करता है। इस वजह से जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो लैंड की कमी है या एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है, हालांकि वेस्टर्न यूपी में अच्छा है बट ईस्टर्न यूपी में अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये सब बातें हम मेंस के टाइम पे जब बात करेंगे, जब हम इकोनॉमी की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बस ब्रीफ है। अब यहाँ पे जो एरिया है वो 2.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर है और ये फोर्थ रैंक पे आता है, ठीक है। फोर्थ रैंक इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। और फर्स्ट रैंक पे कौन आता है, फर्स्ट रैंक पे आता है राजस्थान, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश एरिया के टर्म्स में इंडिया के अंदर फोर्थ रैंक पे आता है और इसका जो एरिया है वो 7.33% ऑफ एरिया ऑफ इंडिया है, ठीक है। उसके बाद बॉर्डरिंग स्टेट्स देख लेते हैं। ये मैंने कल भी इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था और ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसके जो बॉर्डरिंग स्टेट है तो ये नॉर्थ में आता है उत्तराखंड, उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश का थोड़ा सा एरिया, उसके बाद आता है हरियाणा, उसके बाद आता है राजस्थान, राजस्थान के बाद आता है नीचे MP, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड देन बिहार, ठीक है। उसके अलावा एक यूनियन टेरिटरी आती है दिल्ली, जो कि दिल्ली गाजियाबाद की साइड से उत्तर प्रदेश को टच करती है। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि कितने बॉर्डरिंग स्टेट हैं, तो टोटल 8 बॉर्डरिंग स्टेट है, 8 बॉर्डरिंग स्टेट है और एक यूनियन टेरिटरी है जो कि उत्तर प्रदेश को टच करता है, ठीक है। और ये किसी भी स्टेट के लिए सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा ये फिगर जो है सबसे हाई है उत्तर प्रदेश के लिए। मतलब इंडिया के अंदर कोई ऐसा स्टेट नहीं है जिसकी बाउंड्री 8 अदर स्टेट से टच होती हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फिगर। उसके बाद क्या होता है कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिससे मोस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स की बाउंड्री लगती है, तो वो है सोनभद्र, सोनभद्र, ठीक है। ये ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी बाउंड्री 4 स्टेट से लगती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ठीक है।
अगर मैं पीछे जा करके अगर आपको समझाऊं तो ये है सोनभद्र, ये है सोनभद्र, ठीक है। तो सोनभद्र में यहां से ये एमपी लगता है, नीचे यहाँ थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ लगता है, इधर जो साउथ ईस्ट की साइड है वो यहाँ पे आपका झारखंड है, और जो ईस्टर्न साइड है वहां पे लगता है बिहार। तो सोनभद्र एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का जिससे कि चार स्टेट लगते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे थे कि सोनभद्र जो डिस्ट्रिक्ट है वो फोर स्टेट से लगता है, ठीक है। उसके बाद ईस्ट टू वेस्ट लेंथ जो होती है, ईस्ट टू वेस्ट लेंथ, हम लोगों ने देखा कि यूपी का मैप कुछ इस तरीके से है ना, कुछ इस तरीके से यूपी का मैप है। तो यूपी का मैप जो ईस्ट वेस्ट जो इसकी लेंथ है ना वो है 640 किलोमीटर, 640 किलोमीटर। और जो नॉर्थ टू साउथ लेंथ है, ये अगर हम इसको देखें तो ये है 240 किलोमीटर। तो मतलब कि इसका अगर क्वेश्चन डायरेक्टली तो नहीं आएगा, बट ये आपको समझना पड़ेगा कि इसका जो लैटिट्यूडनल लेंथ है, इसका जो लैटिट्यूडनल लेंथ है वो लॉन्गिट्यूडनल लेंथ से ज्यादा है, ठीक है, काफी ज्यादा है। मतलब 640 किलोमीटर एंड 240 किलोमीटर, तो ये काफी ज्यादा है। उसके बाद एक फैक्ट और है कि डिस्ट्रिक्ट विथ हाइएस्ट एरिया कौन सा है, मतलब किस एरिया के, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हाइएस्ट एरिया है, तो वो है लखीमपुर खीरी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट एरिया, उसमें कौन सा आता है, ये आता है भदोही, ठीक है। तो ये सब जो जियोग्राफिकल फीचर्स के अंदर कुछ फैक्ट्स थे ये हमने यहाँ पे देखा। अब आगे देखते हैं क्या कुछ और फैक्ट्स हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे कल भी मैंने बताया था, मोस्ट ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जो है वो है बलिया, जो कि बिहार से लगता है यहाँ पे, ये बलिया डिस्ट्रिक्ट है, ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारा, ठीक है, बलिया। उसके बाद आता है मोस्ट वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, तो वो मोस्ट वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है शामली, शामली दिस 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 डिस्ट्रिक्ट वेस्टर्न में, ठीक है। शामली डिस्ट्रिक्ट जो है वो हमारा वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, और ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है बलिया। तीसरा मोस्ट नदर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सहारनपुर। ये मैप देख करके आपको समझ जाएगा आप, मतलब मैं आपको मैप इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि ये मेंस एग्जाम में आप ड्रॉ कर सको, आपको इंटरनलाइज हो जाए धीरे धीरे, तो क्वेश्चंस अगर नहीं भी आता है तो गेस करने में आसानी रहती है क्वेश्चन पेपर के अंदर ना। उसके बाद मोस्ट नदर्न डिस्ट्रिक्ट है वो है सहारनपुर, मोस्ट सदर्न डिस्ट्रिक्ट जो है वो है सोनभद्र, सोनभद्र जिससे कि फोर स्टेट्स लगते हैं, ठीक है। तो एक बार अगर फिर से हम लोग रिवाइज करें तो मोस्ट ईस्टर्न जो डिस्ट्रिक्ट है, मोस्ट ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट वो है बलिया, मोस्ट वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है वो है शामली, मोस्ट नदर्न डिस्ट्रिक्ट है सहारनपुर, और मोस्ट सदर्न डिस्ट्रिक्ट है सोनभद्र, ठीक है, ये चार फैक्ट्स हैं। उसके बाद आते हैं जो हाईएस्ट रेनफॉल होती है, ज्योग्राफी में ये इंपॉर्टेंट होता है कि हाईएस्ट जो रेनफॉल होती है वो होती है गोरखपुर के अंदर, गोरखपुर, ठीक है। अब गोरखपुर में ही क्यों होती है हाईएस्ट रेनफॉल, तो इसको भी गेस किया जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ये होता है, मतलब अगर ये लखनऊ है तो अगर हम यहां से लाइन डिवाइड करें तो इसको बोलते हैं वेस्टर्न यूपी, और ये इसके जो इस साइड में एरिया है इसको बोलते हैं ईस्टर्न यूपी, ठीक है। तो होता क्या है कि जब हम लोगों ने क्या बोलते हैं, आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि जो बारिश जो ईस्टर्न यूपी में है वो साउथ वेस्ट मानसून के थ्रू, बे ऑफ साउथ वेस्ट मानसून के थ्रू ही होती है, लेकिन बे ऑफ बंगाल ब्रांच से होती है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच आती है यहाँ पे और यहाँ पे बारिश करती है। तो मोस्ट ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो ज्यादा मतलब रेनफॉल उनके अंदर होता है एज कम्पेयर की जो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज्यादा रेनफॉल होती है। यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो जनरली जो अरेबियन सी ब्रांच से जो मानसून आता है वहां से होती है, बट आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे कुछ अरावलीज होती हैं। यहाँ पे लेकिन राजस्थान के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है कि यहाँ पे अरावलीज हैं। अब अरावलीज हैं तो ये पैरेलल होती हैं, तो ये रेनफॉल आगे चली जाती है, तो जो वेस्टर्न साइड पे जो रेनफॉल है वो कम होती है, मतलब ईस्टर्न साइड पे रेनफॉल ज्यादा होती है, जैसे जैसे हम वेस्ट में जाते हैं तो
वैसे वैसे रेनफॉल हमारी कम हो जाती है, ठीक है। और सबसे जो लोवेस्ट रेनफॉल है वो होती है मथुरा के अंदर, ठीक है। मथुरा के अंदर इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे थार डेजर्ट है, तो कुछ उसका इम्पैक्ट भी आता है, और उसका इम्पैक्ट होता है तो यहाँ पे ड्राइनेस बहुत ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा कम रेनफॉल यहाँ पे कहाँ पे होती है, वो होती है मथुरा के अंदर, ठीक है। उसके बाद कौन सा स्टेट ऐसा है, स्टेट शेयरिंग द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ यूपी, कौन सा है? मध्य प्रदेश है। मतलब मध्य प्रदेश, ये जो पूरा नीचे का पार्ट है ये मध्य प्रदेश शेयर करता है। तो सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री जो होती है वो किसके साथ है? वो मध्य प्रदेश के साथ है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसी में ज्योग्राफिकल फीचर्स देखा, तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज के कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन मतलब फैक्ट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्ट है कि यूपी के अंदर कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, तो 9 एग्रोक्लाइमेटिक जोन है। काफी इंपॉर्टेंट फिगर है, यूपी प्रीवियस ईयर पीसीएस में पूछा जा चुका है। कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन है? 9 एग्रोक्लाइमेटिक जोन है। उसके बाद नेट सोन एरिया जो है, नेट सोन एरिया वो है 165 लाख हेक्टेयर नेट सोन एरिया है। नेट सोन एरिया और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, एक होता है नेट सोन एरिया, दूसरा होता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। या ग्रॉस सोन एरिया, तो वो इन दोनों में डिफरेंस होता है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे। हालांकि आप नेट पे जाकर के सर्च कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं कि नेट सोन एरिया और ग्रॉस क्रॉप एरिया में डिफरेंस क्या है, ठीक है। उसके बाद जो नेट इरिगेटेड एरिया है वो है 143 लाख हेक्टेयर, ठीक है। उसके बाद जो नेट इरिगेटेड एरिया है वो है 143 लाख हेक्टेयर। उसके बाद जो इरिगेशन सोर्सेज हैं, ये मेंस के लिए काम का है, ज्यादातर प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाएगा, बट मेंस के लिए अगर आता है कि इरिगेशन सोर्सेज उत्तर प्रदेश के अंदर इरिगेशन सोर्सेज क्या है, तो उसमें आप पाई चार्ट बना के दिखा सकते हैं कि अगर ये सेंटर है तो 75% जो इरिगेशन मिलता है उत्तर प्रदेश को ट्यूबवेल से मिलता है, ट्यूबवेल से, ठीक है। उसके बाद दूसरे सोर्सेज आते हैं ऐसे करके। तो ये अगर मेंस एग्जाम में अगर आप ऐसे दिखाते हैं तो ये एग्जामिनर के ऊपर काफी अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है, और वो मतलब मार्क्स अवॉर्ड कर सकता है आपको अच्छे। जो ट्यूबवेल्स है वो है 75%, कैनाल्स जो है वो है 15%। उत्तर प्रदेश के अंदर जो स्पेशली जो वेस्टर्न वाला पार्ट है, वेस्टर्न यूपी वाला पार्ट, वहाँ पे कैनाल्स इरिगेशन बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड है। जो ट्यूबवेल्स वगैरह है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी में ज़्यादा डोमिनेटेड है। वेल्स 9% है और अदर सोर्सेज ऑफ इरिगेशन वगैरह है वो 1% है, ठीक है। तो ये जो फिगर है ये काम का है मेंस के लिए, प्रीलिम्स में जनरली नहीं पूछा जाता है, अगर पूछ भी लिया तो आप बता सकते हैं। उसके बाद ये रिसेंटली एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट जोन बनाए गए हैं, तो एक तो आगरा में बनाया गया है पोटैटो का एक्सपोर्ट जोन, दूसरा क्या है लखनऊ में बनाया गया है मैंगो का एक्सपोर्ट जोन, तीसरा क्या है सहारनपुर के अंदर बनाया गया है वो भी मैंगो का एक्सपोर्ट जोन है। तो जो तीन एक्सपोर्ट जोन है अभी रिसेंटली बनाए गए वो है आगरा, लखनऊ और तीसरा क्या है सहारनपुर, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चरल एंड एलाइड एक्टिविटीज थी, सॉरी। उसके बाद अगर हम बात करें पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की, तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की हमने अभी तक क्या क्या बात कर ली, हमने नेम, उसके क्रिएशन और उसकी क्रोनोलॉजी की बात कर ली, हमने ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात कर ली, हमने एग्रीकल्चरल एलाइड एक्टिविटीज़ की भी बात कर ली और हमने स्टेट सिंबल्स की भी बात कर ली, ठीक है। अब हम आते हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में क्या है कि जो लेजिस्लेचर है उत्तर प्रदेश का वो बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है कि वे स्टेट लेजिस्लेचर, वे लेजिस्लेचर जिनके अंदर एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और दूसरा क्या होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। इसको अगर दूसरी लैंग्वेज में बोले तो एक अपर हाउस होता है और दूसरा लोअर हाउस होता है, ठीक है। तो अपर हाउस और लोअर हाउस, जो जैसे कि सेंटर पे हमारे पास क्या है कि जो अपर हाउस है उसको राज्यसभा बोलते हैं और जो लोअर हाउस है उसको लोकसभा बोलते हैं। तो जहां पे भी अपर हाउस और लोअर हाउस प्रेजेंट होते हैं या दो क्या बोलते हैं हाउसेस प्रेजेंट होते हैं लेजिस्लेचर के अंदर, उसको बोलते हैं हम बाइकैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी बाइकैमरल लेजिस्लेचर है जिसमें कि जो अपर हाउस है उसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल और जो लोअर हाउस वहां पे है, हालांकि टेक्निकली स्टेट के अंदर ऐसा नहीं बोलते बट
ऐसे भी बोल देते हैं तो इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल और दूसरे को बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद और विधानसभा हिंदी में बोलते हैं इनको, ठीक है। तो बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। अब टोटल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स कितनी हैं? 403 सीट्स हैं, ठीक है, 403 मेंबर्स हैं। टोटल मेंबर कितने हैं? 403 मेंबर हैं। उसके बाद मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कितने हैं? 100 हैं। ये 100 फिगर क्यों है? क्योंकि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं वो 1/3 ऑफ द कैपेसिटी ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो फिगर है वो है 100, ठीक है, ये याद रखना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद टोटल मेंबर्स ऑफ द लोकसभा कितने हैं यूपी से? 80 हैं। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा यहीं से आते हैं, इसीलिए पॉलिटिकल जो एंगल है उससे ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपी पॉलिटिकल एंगल से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मेंबर्स ऑफ द लोकसभा में टोटल कितने हैं? 80 हैं। मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कितने हैं? 31 राज्यसभा मेंबर्स हैं। यूपी 31 राज्यसभा मेंबर्स को सेंड करता है, ठीक है। उसके बाद रिजर्व सीट फॉर एससीज इन लोकसभा कितनी है? 17 है, इंपॉर्टेंट फिगर है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट असेंबली सीट्स कौन सी हैं? तो प्रयागराज है, ठीक है, तो प्रयागराज के अंदर सबसे ज़्यादा असेंबली सीट्स हैं, ठीक है। उसके बाद टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं यूपी के अंदर? वो हैं 75 और टोटल डिविजन्स कितने हैं? वो हैं 18, ठीक है। तो ये हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है कि जो लेजिस्लेचर है वो बाइकैमरल है। लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर है? 403 मेंबर्स हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने मेंबर हैं? 100 मेंबर्स हैं। लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं? 80 मेंबर्स हैं। राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं? 31 मेंबर्स हैं। उसके बाद एससीज के लिए लोकसभा में रिजर्व सीटें कितनी हैं? वो हैं 17। और डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट असेंबली सीट्स कौन सी हैं? वो है प्रयागराज, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 75 और डिविजन्स कितने हैं? 18। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के फैक्ट्स एंड फिगर हैं। जब हम मेंस पे जाएंगे, जब हम पॉलिटी की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की पॉलिटी की बात करेंगे, तो उसमें हम थोड़ा सा चीफ मिनिस्टर गवर्नर का रिलेशनशिप्स और उस बेसिस पे एनालाइज करेंगे, ठीक है, आने वाली क्लासेस में। ये तो प्रीलिम्स के फैक्ट्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब कुछ यहाँ पे फैक्ट्स हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हैं, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो जो फर्स्ट सीएम थे उत्तर प्रदेश के, वो थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। फर्स्ट सीएम कौन से थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट वुमेन सीएम कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी, ठीक है, श्रीमती सुचेता कृपलानी जी फर्स्ट वीमेन सीएम थी उत्तर प्रदेश की। उसके बाद फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूपी कौन थे आफ्टर इंडिपेंडेंस? कौन थे? सॉरी, यहाँ पे कुछ, हाँ सही है। अब गवर्नर जो थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस मतलब क्या होता है, 1947 से 1949 तक रही थी श्रीमती सरोजिनी नायडू, ठीक है। एंड सी इज ऑल्सो द फर्स्ट गवर्नर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया, ठीक है, इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट की पहली वेमेन गवर्नर हैं वो। उसके बाद क्या होता है कि 1949 तक ये रहती हैं। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स होता है। 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स होगा। और उसके बाद जो पहले गवर्नर हैं वो बनेंगे सर फिरोज शाह मोदी, ठीक है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। जो फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूपी अगर पूछ लिया जाए कभी, तो श्रीमती सरोजिनी नायडू हैं, और फर्स्ट गवर्नर आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंटेशन कौन थे? सर फिरोज शाह मोदी, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट स्पीकर कौन है? पुरुषोत्तम दास टंडन। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पूछता है कभी कभी, ठीक है। फर्स्ट स्पीकर कौन है? पुरुषोत्तम दास टंडन। उसके बाद फर्स्ट चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन थे? वो थे चंद्रभाल, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट जो सीएम है वो कौन है? वो योगी आदित्यनाथ जी हैं, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। ये 32nd सीएम है एज ए टेन्योर, 32nd सीएम है, ठीक है। अभी तक 32 सीएम रह चुके हैं, बट 21st एज ए पर्सन। कुछ लोग हैं जो बार बार सीएम बने हैं, जैसे कि मायावती जी हैं या मुलायम सिंह यादव जी हैं, लेकिन अगर उन लोगों को अगर एज अ पर्सन काउंट किया जाए तो ही इज 21st एज ए पर्सन, ठीक है। बट अगर टेन्योर के हिसाब से काउंट किया जाए तो ही इज द 32nd चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। प्रेजेंट गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल जी हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रेजेंट स्पीकर कौन से हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के? वो है हृदय नारायण दीक्षित जी, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन है? रमेश यादव जी हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉलिटिकल जो पोजीशंस हैं उसमें पहले कौन थे और करंट में कौन है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि कभी कभी वो पूछ लिया जाता है पेपर के अंदर, ठीक है। उसके बाद
एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात करें अगर हम लोग, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की अगर हम बात करें तो डिविजन्स कितने हैं, टोटल डिवीजन हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि 18 डिवीजन है और उनके अंदर डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं तो 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो मतलब यूपी के अंदर 18 डिवीजन है और डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं 75 है, मतलब कि 18 डिवीजन्स के अंदर 75 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। तो जो सबसे लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट है 75 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट कौन सा है, वो है संभल, ठीक है। उसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ तहसील्स हैं वो कितनी हैं, वो है 351। ये सब फिगर्स हैं जो कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी इम्पॉर्टेंट हैं और कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं और जनरली याद नहीं रहते, तो इसको बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ तहसील्स कितनी है, 351 है। डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम तहसील कौन सी है, प्रयागराज है। अभी हम लोगों ने देखा कि डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम असेंबली सीट्स, डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम असेंबली सीट्स भी कौन था, प्रयागराज था। और यहाँ पे क्या है कि डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम तहसील कौन सा है, प्रयागराज है। ब्लॉक्स टोटल कितने हैं, वो है 826 ब्लॉक्स यहाँ पे। उसके बाद सिटीज एंड टाउन्स इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, 915 है। ग्राम पंचायत्स कितनी हैं, वो अराउंड 58,000 है, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और टोटल विलेजेस कितने हैं, वो ऑलमोस्ट 1,00,000 के करीब है, 1,00,000, ठीक है। तो 1,00,000 के करीब है, इतना एग्जैक्ट फिगर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में इतना तो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आप ऊपर वाली याद रख सकें, डिवीजन 18 है, डिस्ट्रिक्ट 75 है, 75 डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, संभल है। नंबर ऑफ तहसील कितने हैं, 351 है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट विद मैक्सिमम तहसील कौन सी है, वो प्रयागराज है। और ब्लॉक्स कितने हैं, 826 है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात हो गई, अब आगे चलते हैं, इसमें आते हैं फिर जुडिशरी पे। अब जुडिशरी में क्या है कि जो जुडिशरी होती है तो सबसे ऊपर हमारी कंट्री के अंदर सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे क्या आता है, वो आता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के नीचे क्या आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आते हैं सेशंस कोर्ट और इसके अंदर ये एक आता है सिविल कोर्ट, ठीक है। तो ये एक जुडिशरी का स्ट्रक्चर है हमारी कंट्री के अंदर, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके बाद ये ऑल इंडिया लेवल पे होता है और ये हाई कोर्ट जो होता है वो स्टेट लेवल पे होता है। तो जो उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो प्रयागराज के अंदर है, ठीक है। इट इज सिचुएटेड इन प्रयागराज, 1866 में बना था, हालांकि इसकी एक जो बेंच है वो लखनऊ में भी है, ठीक है। तो अगर आ गया कि उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है, तो वो है प्रयागराज में। अभी इस्टैब्लिश कब हुआ था, ये इस्टैब्लिश हुआ था ये 1866 में। 1866 में तीन हाई कोर्ट्स इस्टैब्लिश हुए थे, कलकत्ता, मद्रास एंड अलाहाबाद, ठीक है। तो उसमें से ये क्या है कि 1866 में ये हाई कोर्ट बना था। उसके बाद नंबर ऑफ जजेज इन हाई कोर्ट अभी कितना है, 160 है, 160 जजेज हैं, टोटल 160 जजेज हैं यहाँ पे। उसके बाद फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन है, कौन था, मतलब जस्टिस वाल्टर मोर्गन, इंपॉर्टेंट है, जस्टिस वाल्टर मोर्गन, ठीक है। जस्टिस वाल्टर मोर्गन वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ अलाहाबाद हाई कोर्ट। उसके बाद फर्स्ट चीफ जस्टिस आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन थे, ये तो 1866 में होंगे, आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 में कौन थे, जस्टिस कमलकांत, ठीक है, जस्टिस कमलकांत होंगे 1947 में। उसके बाद करेंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अभी कौन है, जस्टिस राजेश बिंदल जी हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रखिए, ये पूछ लिया जाएगा किसी भी एग्जाम में। फर्स्ट लोकायुक्ता कौन थे, जस्टिस विश्वंभर दयाल, जस्टिस विश्वंभर दयाल जी थे, वो फर्स्ट लोकायुक्ता थे। और जो करेंट लोकायुक्ता वो कौन है, जस्टिस संजय मिश्रा जी हैं, ठीक है। तो ये कुछ जो जुडिशरी के जो एस्पेक्ट थे या जुडिशरी के जो फैक्ट्स थे वो मैंने बताया यहाँ पे, और ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है। रोल इसका मेंस में मुझे नहीं लगता कि कुछ पूछेंगे वो लोग इससे रिलेट करके, मेंस में जो होगा वो हम लोग मेंस की क्लासेज में आने वाले क्लासेज में देखेंगे। जो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है इकोनॉमी ऑफ यूपी, ठीक है। अब इकोनॉमी ऑफ यूपी में क्या है कि टोटल जो इकोनॉमिक जोन्स हैं यूपी के अंदर वो है 4। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो टोटल एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं यूपी के अंदर वो है 9, ठीक है।
और टोटल इकोनॉमिक जोन्स कितने हैं यूपी के अंदर, वो हैं 4। उसके बाद पोजीशन ऑफ यूपी इन इंडिया क्या है जीडीपी में, थर्ड है, अभी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है और तीसरे नंबर पे यूपी है। ठीक है, तो यूपी इन टर्म्स ऑफ जीडीपी थर्ड पोजीशन पे अभी है। ठीक है, और अब जो करेंट जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, एक होता है जीडीपी, जीडीपी होती है किसी भी कंट्री की, किसी भी इकोनॉमी की होती है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अगर हम उसको स्टेट पे बात करें तो इस स्टेट पे बोलते हैं उसको ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर उसी को डिस्ट्रिक्ट पे बात करें तो उसको बोलते हैं ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीडीपी। ठीक है, तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ यूपी कितना है, 19.5 लाख करोड़। 19.5 लाख करोड़ मतलब कि $240 बिलियन है अभी, $240 बिलियन। और यूपी के सीएम जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनका टारगेट क्या है कि $1 ट्रिलियन बनाना है, $1 ट्रिलियन बाई 2025 तक क्या करना है, $1 ट्रिलियन बनाना है यूपी की इकोनॉमी को। ठीक है, ये किस लिए बनाया गया है, क्योंकि इंडिया ने अपना जो टारगेट रखा है वो 2025 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव करने का टारगेट रखा है। तो उत्तर प्रदेश ने खुद अपना टारगेट रखा है कि हम कंट्री को इटसेल्फ $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फिगर है, करेंट जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो $240 बिलियन के आसपास है। कंट्रीब्यूशन इन इंडिया जीडीपी कितना है उत्तर प्रदेश का, अभी 8.8% है, 17% पॉपुलेशन या 18% पॉपुलेशन है और वो कंट्रीब्यूट करती है 8.8% ऑफ द जीडीपी। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि यूपी के अंदर पॉवर्टी का लेवल क्या है या पर कैपिटा इनकम काफ़ी लो है, क्योंकि अगर इस 17-18% पॉपुलेशन 8% को कर रही है तो मतलब कि कम है हमारा इनकम उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, जो सदर्न स्टेट्स हैं या जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं लाइक महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, तो इनका जो कंट्रीब्यूशन वो काफ़ी ज़्यादा है और पॉपुलेशन भी कम है, तो इस दैट्स वाई दे आर रिच स्टेट्स। उसके बाद जीडीपी पर कैपिटा कितनी है, वो है 18,500। ठीक है, 2021-22 का फिगर है और इसमें वो 28 पे आता है। 28 पे क्यों आता है, क्योंकि ये कैसे आता है, जीडीपी पर कैपिटा कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो टोटल जीडीपी डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन। तो एक तो यूपी की जीडीपी जो है वो थर्ड पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे, यहाँ पे 19.5 लाख करोड़ या $240 बिलियन है, तो जीडीपी तो काफ़ी ज़्यादा है, बट अगर आप पॉपुलेशन देखेंगे तो पॉपुलेशन भी इंडिया में सबसे ज़्यादा है, तो वो 18% पॉपुलेशन, 17% पॉपुलेशन है उसको, मतलब ऑलमोस्ट 20 करोड़ है। तो इसको अगर यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो वो ये जो फिगर है ये काफ़ी कम आ जाता है और यही यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है 18,500। और इंडिया के अंदर 29 स्टेट्स हैं, उसमें से 28 पोजीशन पे है यूपी, तो मतलब कि यूपी के अंदर जो पॉवर्टी का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो आपको आगे एक फैक्ट आएगा बीपीएल पॉपुलेशन में, वो देखने को भी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कि जीडीपी बाय सेक्टर कौन कौन सा है, तो यूपी गैंगेटिक प्लेन्स में पड़ता है, तो एग्रीकल्चर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूपी की इकोनॉमी, 26%। ठीक है, ओवरऑल अगर नेशनल लेवल पे बात करें तो इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर का अभी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 16-17% है, 16-17% है इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 26% है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि उत्तर प्रदेश इकोनॉमी इज स्ट्रांगली ड्रिवन बाय द एग्रीकल्चर। ठीक है, अगर इंडस्ट्री का देखें तो ये 25% है, इंडिया के अंदर यही जो फिगर है वो 29-30% है। ठीक है, उसके बाद जो सर्विसेज का सेक्टर है वो होता है 49%। यहाँ पे ये हम देख सकते हैं कि जो यूपी का जो मेन जो इकोनॉमी है वो सर्विसेज सेक्टर से ड्राइव होती है। ठीक है, बट एग्रीकल्चर भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस फिगर को देख करके आपको अंदाजा लग गया होगा कि जो वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर 26% वाला है, जो वर्कफोर्स है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है, वो यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट नहीं हो रहा है, और ये यूपी की बैकवर्डनेस का एक रीज़न है जिसको हम मेंस वाले क्लासेस में देखेंगे कि इंडस्ट्रियल बेस उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा कम है, उसकी वजह से क्या है कि जो एग्रीकल्चर का जो सरप्लस लेबर है वो सर्विसेज सेक्टर में शिफ्ट हो जाता है, जैसे दुकान कर लिया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर लिया, छोटे छोटे काम कर लिए, तो उससे इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ती नहीं है और वो लेबर जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, तो यूपी की बैकवर्डनेस का एक बहुत बड़ा रीज़न है ये।
उसके बाद जो टोटल बीपीएल पॉपुलेशन है, अब ये सब फिगर आएगा कि टोटल पर कैपिटा इनकम जो है 18,500 रहेगा और 28th पोजीशन पे रहेगा, तो ऑब्वियसली जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। और तेंदुलकर कमेटी के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग क्या है, ये 19.43 रफली 20%, मतलब 100 में से 20 लोग यूपी के अंदर तो बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं, ठीक है। और ये फिगर स्पेशली ईस्टर्न यूपी में काफ़ी ज़्यादा है। तो ये इकॉनमी की बात हो गई। उसके बाद आते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पे, ठीक है। तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में हम लोग ये जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर देखेंगे ये किसके अकॉर्डिंग है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग है, जो कि लेटेस्ट डेटा है हमारे पास। फॉरेस्ट का यही डेटा जो होता है वो सबसे जेन्युइन और लेटेस्ट डेटा होता है, तो हम इसके अकॉर्डिंग ही देखेंगे। तो जो टोटल फॉरेस्ट कवर है इंडिया उत्तर प्रदेश के अंदर, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वो है 14,817.89 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब रफली आप कह सकते हो कि 15,000 स्क्वायर किलोमीटर है। देखिए होता क्या है ना कि ये जो फिगर है 14,817.89 ये प्रीलिम्स के अंदर ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी ये लोग 4-5 डिजिट तक वेरिएशन करके ये लोग कभी कभी पूछते हैं, स्पेशली फॉरेस्ट में। बट मेंस में आपको ये फिगर याद नहीं रहेगा, स्पेशली आप 3 घंटे के अंदर आप पेपर लिख रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है मेंस लिखने टाइम ना, और 2 पेपर एक दिन में होते हैं तो काफ़ी एग्जॉशन भी होता है, तो एग्जैक्ट फिगर याद करना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है। तो जब भी कोई ऐसा फिगर है तो उसके अप्रॉक्सीमेट कोई ऐसा फिगर ढूंढिए जो याद हो सके, जैसे कि 14,817 स्क्वायर किलोमीटर है, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 15,000 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, हालांकि प्रीलिम्स के लिए आपको ये रटना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि टोटल परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर कितना है, वो है 6.15%। टोटल परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर कितना है, 6.15%। ट्री कवर कितना है, 3.08%, ठीक है। और इन दोनों को अगर मिला लिया जाए, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर को, तो वो कितना परसेंटेज होता है, 9.23%, ठीक है, 9.23%। ये अगर ये 2021 में है, 2019 की जब रिपोर्ट आई थी तो उसमें ये फिगर था 9.20%, मतलब कि 0.03% जो है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर यूपी के अंदर बढ़ा है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कि यूपी के अंदर कितना बढ़ा है, ठीक है। तो 9.23% फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है। उसके बाद हाईएस्ट परसेंटेज किस कौन से फॉरेस्ट की होती है, आपको ये पता है कि 3 तरह के फॉरेस्ट होते हैं। एक होता है वेरी डेंस फॉरेस्ट, जिसकी कैनोपी जो होती है वो 70% और एवव होती हैं। एक होता है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, जिसकी कैनोपी 40-70% होती है, ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा होता है ओपन फॉरेस्ट, जिसमें कि मतलब 40% से कम या अराउंड 10% कह सकते हैं कि वो जो कैनोपी होती है उसको बोलते हैं ओपन फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ओपन डेंस फॉरेस्ट। तो यूपी के अंदर जो फॉरेस्ट है उन्होंने सबसे ज़्यादा ओपन फॉरेस्ट ही हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और सबसे कम वेरी डेंस फॉरेस्ट है। वेरी डेंस फॉरेस्ट जनरली उन एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स हो गया, ठीक है, या नॉर्थ ईस्ट हो गया अपना, ठीक है। तो यूपी के अंदर जितने जो फॉरेस्ट हैं वो ज़्यादातर ओपन फॉरेस्ट हैं, उसके बाद मॉडरेटली हैं और सबसे कम जो है वेरी डेंस फॉरेस्ट है, ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर कौन से डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सा है, तो वो है सोनभद्र। सोनभद्र जो डिस्ट्रिक्ट है हमने देखा था कि ये अगर यूपी का मैप अगर है तो ये है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। अब ये सोनभद्र जो डिस्ट्रिक्ट है वो कहां पे आया जाता है, वो आता है प्लेटू रीजन में, विंध्यन प्लेटू के अंदर आता है। तो जहां पे प्लेटू रीजन अगर ये आता है तो यहां पे फॉरेस्ट काफी ज्यादा है, ठीक है। इसकी वजह से यहां पे कई सारी प्रॉब्लम जैसे नक्सलाइट प्रॉब्लम्स होती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वो इसी डिस्ट्रिक्ट में मेनली होती हैं। सोनभद्र है, मिर्जापुर है, चंदौली है, तो यहां पे ये प्रॉब्लम्स इसी वजह से होती हैं क्योंकि यहां पे फॉरेस्ट काफी ज्यादा है। बाकी और सारे रीजन है वो हम सिक्योरिटी में देखेंगे, ठीक है। तो हम यहां पे थे। उसके बाद जो लीस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, भदोही। मतलब सबसे ज्यादा फॉरेस्ट परसेंटेज कहां पे, सोनभद्र में। सबसे कम फॉरेस्ट परसेंटेज कहां पे है, वो है भदोही। उसके बाद क्या है, ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है उत्तर प्रदेश की, वो है चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो जो कि चंदौली में है। चंदौली है यहाँ पे कहीं, बनारस वाराणसी डिवीजन के अंदर आता है, ठीक है, चंदौली।
जो चंदौली है ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन सी है, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि चंदौली में सिचुएटेड है। उसके बाद जो लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मेरठ के अंदर, यहाँ कहीं सिचुएटेड है मेरठ। तो ये हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको अभी रामसर वेटलैंड भी घोषित किया गया अभी कुछ दिन पहले। उसके बाद नेशनल पार्क्स उत्तर प्रदेश के अंदर कितने हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, ओनली वन नेशनल पार्क। इतना बड़ा स्टेट है लेकिन एक ही नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क है, वो है दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। 2022 प्रीलिम्स का सवाल है, ठीक है, 2022 प्रीलिम्स में पूछा गया था कि दुधवा नेशनल पार्क जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, तो वो लोकेटेड है किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो लोकेटेड है लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसके बाद जो टाइगर रिजर्व्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, टाइगर रिजर्व जो है, तो टोटल चार टाइगर रिजर्व हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है, टोटल चार टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व है जो कि पीलीभीत में होगा, दुधवा टाइगर रिजर्व है जो कि दुधवा नेशनल पार्क का जो कोर एरिया है उसके अंदर है, और ये कहाँ पे होगा, लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में होगा। आमनगढ़ टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पे है, ये बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो तीन तो ये हो गए, पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपने नाम सुना होगा पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में है, दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ पे, लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में है, आमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में है। अभी रिसेंटली अभी 2 or 3 days की बात है कि इंडिया का 53rd जो टाइगर रिजर्व है वो उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया गया, और उसका नाम है रानीपुर टाइगर रिजर्व। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट 6 months में जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर एग्जाम आने वाले हैं उनमें सब में ये पूछा जाएगा, पक्का पूछा जाएगा। रानीपुर टाइगर रिजर्व कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में है। चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट यहीं पे कहीं बुंदेलखंड के रीजन में आता है, यहाँ पे कहीं चित्रकूट लोकेटेड है, झांसी के बगल में, झांसी का के बगल में चित्रकूट लोकेटेड है। तो यहीं पे घोषित किया गया, यहाँ पे बनाया गया कौन सा, रानीपुर टाइगर रिजर्व कौन से डिस्ट्रिक्ट में, सिक्स चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में। और कौन सा टाइगर रिजर्व है, इंडिया का 53rd है और यूपी का 4th टाइगर रिजर्व है ये, ठीक है। ये हो गया टाइगर रिजर्व। उसके बाद क्रोकोडाइल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी के अंदर कहाँ पे है, तो वो है चंबल रिवर एरिया इटावा के अंदर। अब इटावा के अंदर ना काफी ज्यादा मतलब कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं, बहुत ज्यादा कंजर्वेशन सेंटर्स हैं, सफारी है। तो अगर क्वेश्चन में अगर आता है कि ये कंजर्वेशन सेंटर कहाँ है, वो कंजर्वेशन सेंटर कहाँ है, अगर आपको आंसर करेक्टली आता नहीं है और गेस करना चाहते हो, तो अगर इटावा ऑप्शन है तो उसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, कंजर्वेशन से रिलेटेड। उसके बाद नेशनल लायन सफारी कहाँ है, ये भी नेशनल चंबल सेंचुरी इटावा में है। तो नेशनल चंबल सेंचुरी कहाँ पे है, वो इटावा में है। उसके बाद पीकॉक कंजर्वेशन सेंटर बनाया गया है यूपी के द्वारा, वो कहाँ पे है, महाराजगंज में है, इंपॉर्टेंट है ये। और जटायु कंजर्वेशन सेंटर बनाया गया है, वो कहाँ बनाया गया, गोरखपुर के अंदर। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंजर्वेशन सेंटर्स और ये सब है, ठीक है। तो नेशनल पार्क में एक नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, डिस्ट्रिक्ट याद रखना लखीमपुर खीरी है, टाइगर रिजर्व्स का है पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, दुधवा टाइगर रिजर्व है, आमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर डिस्ट्रिक्ट है, इंपॉर्टेंट है। रानीपुर टाइगर रिजर्व रिसेंटली बना है वो चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में है, 53rd टाइगर रिजर्व है। क्रोकोडाइल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, चंबल रिवर एरिया इटावा के अंदर है। नेशनल लायन सफारी कहाँ है, नेशनल चंबल सेंचुरी इटावा के अंदर है। उसके बाद पिकॉक कंजर्वेशन सेंटर कहाँ पे है, वो महाराजगंज में है। और जटायु कंजर्वेशन सेंटर कहाँ है, गोरखपुर के अंदर है, ठीक है। अब देखते हैं, तो ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं अब इसको, ठीक है। तो आज के लिए, आज के हम लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने यूपी का ये मैप देखा था, जिसमें कुछ डिफरेंट डिफरेंट आपको बताए गए थे कि ये सहारनपुर है, शामली है, ये बलिया है, सोनभद्र है, ठीक है, यहाँ पे ये चित्रकूट है, यहाँ पे ये ललितपुर है, झांसी है, महोबा है, ठीक है, ये मथुरा है, ठीक है, यहाँ पे बीच में ये लखनऊ है, ठीक है। तो हमने शुरू से ये देखा कि यूपी का के मैप को समझने की कोशिश की, इसको ड्रॉ करने का ट्राई किया, जो कि मेंस एग्जाम के अंदर काम आएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, जिसमें कि हम लोगों ने क्रिएशन, नेम एंड कैपिटल देखा, फॉर्मेशन देखा, डिवीजन कब हुआ था ये देखा, नेम की क्रोनोलॉजी चेंज हुई वो देखा। उसके बाद कैपिटल्स देखे कि कैसे कैसे कैपिटल चेंज हुए। उसके बाद आगे गए तो हम लोगों ने स्टेट सिंबल्स देखा, स्टेट सिंबल्स में स्टेट एम्बलम वगैरह देखा, एनिमल देखा, बर्ड देखा, फ्लावर देखा, ट्री देखा, लैंग्वेजेस देखी, ठीक है। ज्योग्राफिकल फीचर्स में हम लोगों ने एरिया देखा, और ये भी एनालाइज किया कि ये 7.33% एरिया जो है उत्तर प्रदेश का, उसका क्या इम्पैक्ट है,
ठीक है, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी के ऊपर। उसके बाद हम लोगों ने ये ज्योग्राफिकल फीचर्स में हम लोगों ने बॉर्डरिंग स्टेट्स देखा, डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग विथ मोस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स हम लोगों ने देखा, ये सोनभद्र है, ईस्ट टू वेस्ट। सोनभद्र ही वो भी डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर हाइएस्ट फॉरेस्ट कवर है। ईस्ट टू वेस्ट लेंथ हम लोगों ने देखी थी, ये सब देखा था कि एरिया जो हाइएस्ट एरिया है वो किसका है, वो लखीमपुर खीरी का है, लोवेस्ट एरिया किसका है, भदोही का है, ठीक है। उसके बाद मोस्ट ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स और ये सब मोस्ट ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स बलिया, मोस्ट वेस्टर्न शामली, मोस्ट नदर्न सहारनपुर, मोस्ट सदर्न सोनभद्र। हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ पे होती है, गोरखपुर में होती है, लोवेस्ट रेनफॉल मथुरा के अंदर होती है। स्टेट्स शेयरिंग लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ यूपी कौन सा है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज़ में हम लोगों ने ये देखा था कि कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखे थे कि नेट एरिया सोन कितना है और नेट इरीगेटेड एरिया कितना है। उसके बाद हम लोगों ने इरीगेशन सोर्सेज देखे थे। उसके बाद एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट जोन वो तीन है, आगरा, लखनऊ और सहारनपुर में। उसके बाद हम लोग बढ़ते गए तो हम लोगों ने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में ये देखा कि लेजिस्लेचर जो होता है वो बाइकैमरल होता है, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल 403 है, लेजिस्लेटिव काउंसिल कितने हैं 100 हैं, लोकसभा में कितने मेंबर्स जाते हैं 80 जाते हैं, राज्यसभा में कितने जाते हैं 31 जाते हैं। उसके बाद एससीज इन लोकसभा रिजर्व सीट कितनी है 17 है। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट असेंबली सीट्स कौन कौन सी हैं, ये प्रयागराज है, डिस्ट्रिक्ट कितना है 75 है और डिवीजन कितने हैं 18 है। उसके बाद फर्स्ट ये देखा था कि हम लोगों ने फर्स्ट सीएम कौन थे, फर्स्ट गवर्नर कौन थे और अभी के जो सीएम और गवर्नर हैं वो कौन है। उसके बाद हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स देखी थी, डिवीजन्स, डिस्ट्रिक्ट्स, ब्लॉक्स, तहसील्स, ये कितने हैं। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स थोड़े बहुत आपको याद होने चाहिए, प्रीलिम्स में आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जुडिशरी देखा था कि कब बनी थी, अलाहाबाद हाईकोर्ट कब बना था, फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे, जस्टिस वाल्टर मोर्गन थे। उसके बाद अभी के करंट जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लोकायुक्ता देखा था, करंट लोकायुक्ता कौन है वो भी देखा था। उसके बाद इकोनॉमी में देखा था, इकोनॉमी को मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब हम वो मेंस की क्लासेस लेंगे इस फर्दर इसमें तो उसमें इकोनॉमी के लेक्चर देखने की कोशिश करेंगे। इकोनॉमी में हम लोग डिटेल में एनालाइज करने की कोशिश करेंगे यूपी की इकोनॉमी को। उसके बाद पोजीशन देखा था यूपी वगैरह का और ये अदर एग्रीकल्चरल जो इकोनॉमिक फिगर्स हैं उत्तर प्रदेश के अंदर वो देखने की कोशिश की थी। लास्ट में हम लोगों ने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ देखा था कि जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग यूपी के अंदर जो एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर है वो कितना है, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी थी, सोनभद्र और भदोही। उसके बाद हम लोगों ने कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ी थी, ठीक है। लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि नेशनल पार्क्स कौन कौन से हैं, टाइगर रिजर्व्स कहाँ कहाँ हैं, क्रोकोडाइल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, लायन सफारी कहाँ पे है, इटावा के अंदर है, और पिकॉक कंजर्वेशन कहाँ है, महाराजगंज में है, और लास्ट में जटायु कंजर्वेशन सेंटर कहाँ है, गोरखपुर में है। इसके अलावा ये फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आजकल आ सकता है कि टोटल रामसर साइट्स कितनी है यूपी के अंदर, टोटल रामसर साइट्स। और वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क रहेगा कि आप एक शीट पे ये बनाइए कि टोटल रामसर साइट्स उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी हैं और वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में है। ये अभी मैच ऑफ द फॉलोइंग में क्वेश्चंस में आ सकता है, किसी भी टाइम आ सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रामसर साइट वाला जो चीज़ है, ठीक है। तो ये मतलब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसके साथ ही हम लोगों ने यूपी का एट अ ग्लांस, मतलब एक जो फैक्ट एंड फिगर वाला पार्ट होता है, जो प्रीलिम्स वाला हार्ड कोर पार्ट है, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। जो सेकंड क्लास होगी हमारी सीरीज, जो थर्ड क्लास होगी सॉरी इस सीरीज की, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे सेंसस ऑफ यूपी। ये भी प्रीलिम्स स्पेसिफिक क्लास होगी, प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है। तो सेंसस होगी, सेंसस इसको डेमो सेंसस पढ़ेंगे, उसमें डेमोग्राफी प्रोफाइल पढ़ेंगे और पॉपुलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेंसस डेमोग्राफिक प्रोफाइल और पॉपुलेशन पढ़ेंगे इसमें नेक्स्ट क्लास में हम लोग। और इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ेंगे, सेंसस और डेमोग्राफी जो है वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, लेकिन जो पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश का उसको थोड़ा सा मेंस डायरेक्शन में लेकर के जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। और उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा क्यों है। दूसरी चीज़ ये है कि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन अगर 20 करोड़ है तो इस पॉपुलेशन का इम्पैक्ट क्या है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, सोशल इम्पैक्ट क्या है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है। तो इस तरीके से हम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा ये लास्ट में, ठीक है।
तो अभी आज की क्लास के लिए बस इतना ही है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।